हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी आर्टिस्ट यूट्यूब पर जिनका चैनल है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आप क्या करते हैं कि जब आपका गूगल एडसेंस का पिन वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जब आपके पेमेंट आनी होती है तो पेमेंट आपकी नहीं आती है, सालों साल तक पेमेंट अकाउंट में ही पड़ी रहती है, आपके अकाउंट में नहीं आते है। वैसे ही आज एक हमारे पास एक चैनल आया, बहुत बड़ा चैनल है, लगभग 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, और उनका एक गाना आपने सुना भी होगा, महिला दीरानी, जिसमें बहुत सारी रील्स लोगों ने बनाए है और बहुत सारे सब्सक्राइबर है उसके, बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे व्यूज है, आप उसको अच्छे से जानते होंगे। उस पर यह प्रॉब्लम है कि उसकी पेमेंट नहीं आ रही है। पेमेंट ना आने का ये रीजन है क्योंकि चैनल ओनर ने जो गलतियां की है, उस गलतियों की वजह से आज चैनल पे 1000 से भी प्लस डॉलर एडसेंस अकाउंट में ही पड़े हैं। तो गाइस, आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में भी दिखा सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते थे कि महिला दी रानी के कितने व्यूज आए हैं, व्यूज तो आप देख सकते, 3 मिलियन के आसपास व्यूज है, और उसकी अर्निंग कितनी हुई है। तो गाइस, मैं आज आपको बता दूं, उसकी अर्निंग आप लाइव देख सकते हो स्क्रीन शॉट में, चैनल ओनर ने खुद बताया है, वो व्लॉग हमने उनके साथ शूट किया, आप वो भी अभी देख सकते हैं। उनके चैनल पे ये प्रॉब्लम है कि उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रही है। उनके चैनल में, उनके एडसेंस अकाउंट में आज लगभग $1200 प्लस अकाउंट में पड़े हैं, बट वो बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। उसके लिए आज हमारे पास इनका चैनल आया हुआ है, इन्होंने अपना एक्सेस दिया हमें, और हम इसको कोशिश करते हैं ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए गाइज, जो व्लॉग हमने उनके साथ शूट किया वो आप खुद ही सुन सकते हैं। हेलो गाइज, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत सब बढ़िया होंगे। आप जानते होंगे जैसे कि रफीक फौजी के नाम से, उनको सभी लोग जानते हैं, वो उधमपुर से यहाँ पर आए हमारे पास गाड़ी लेकर। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये गलती आप मत करेगा। क्या गलती की इन्होंने, जैसे कि आप जानते होंगे यूट्यूब का उनका एक गाना, वो प्रोड्यूसर है महिला दी रानी के, उनके गाने पे लगभग 3 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। उस गाने से बड़े सारे लोग बोलते हैं कि इनको कितनी अर्निंग हुई होगी। तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि इनके वो अर्निंग $1000 प्लस हुई है। तो चलिए गाइस, हमारे पास मौजूद है ये रफीक फौजी जी, आप हमें बताइए कि सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पास, आइए, आप इतने दूर से, आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई है तो हम उसके लिए हाजिर है, वो प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। बड़े सारे लोग बोलते थे कि आपका महिला दी रानी जो गाना है वो बड़ा वायरल हुआ है, तो आप बता सकते कितने व्यूज आए उस पर लगभग अभी तक? तकरीबन सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को आज आप बताना कि मैं एक्सआरएस मैन मोहम्मद रफी गांधी में रहता हूँ मैं, और मेरा जो गाना पहला था मैला दी रानी जी, और उसके बाद दूसरा गाना मेरा आज ही जो सुबह 9 बजे रिलीज हुआ है, उसका नाम है 2 कमरे 12 पसारा जी। और व्यूज जो मैला दी रानी जो गाना मैंने किया था, आज तकरीबन उसका 3 मिलियन व्यूज उसका है। तो अर्निंग कितनी हुई है उसकी? तो अर्निंग उसकी तकरीबन 1000 प्लस उसके डॉलर हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने राजेंद्र भाई के पास आया हूँ, जिनको जो अपनी मैंने प्रॉब्लम सुनाई है वो आपको सुनाएंगे कि प्रॉब्लम जो भी थी मैंने इन तक जो शेयर की है। तो उसके बाद 2 कमरे 12 पसारा जो मेरा गाना अभी इस वक्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है वो, और प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा पैसा जो था मेरे पास मेल वगैरह 21 तारीख को जो मेल आता था वो भी आया, उसके बाद 22 को भी आया था एक मेल, मेरा 26 को आया था एक, 31 तारीख को एक मेल आया था जिसमें मेरे नीचे लिखा हुआ था कि अकाउंट, बैंक अकाउंट इज क्लोज जी। तो उसके बाद मैं आपके पास आया हूं, और जो प्रॉब्लम वगैरह जो थी वो आप खुद बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस, इनका ऐसा हुआ कि आप जानते हो जब आप बहुत सारी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवाया, शूट करवाया और अपलोड करवाया, जैसे आप जानते हैं इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपकी पेमेंट, बंदे को सब यूट्यूब का सबसे क्या होता है कि अगर आपकी पेमेंट नहीं आती बंदे को रात को नींद भी नहीं आती है। इनकी कितनी $100 नहीं है, एक नॉर्मल होता है $100-$200 वो नहीं है, $1000 है, सीधा $1000 जो आपके 80,000 से भी प्लस है, इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए तो वो 80,000 से भी प्लस है, वो इनके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, वो अब हमें इनके फोन पे आपको भी सेकंड शॉट साइड पे दिखाऊंगा और इनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे डोगरा आर्टिस्ट है हमारे, जो उनके बड़े सारे चैनल्स में हैंडल करता हूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करता हूँ। इनके साथ भी वही, आज $1000 फंस चुका है इनका, वो अब हम इनको दिला सकते हैं। तो चले गए, मैं आपको इनका सेकंड शॉट भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमने गाना तो अपलोड कर लिया, इतना खर्चा है, बट अर्निंग नहीं है। अर्निंग है, आप मेहनत के साथ काम करोगे, अर्निंग है, सब कुछ है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सफर जो भी हमारे रामबन के जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी नए चेहरे उभर के सामने आए हैं, जो हम अपना मुद्दा लेके चले हैं, हम तो सिंगर नहीं है, मैं प्रोड्यूसर का काम करता हूँ,
तो महिला दी रानी के बाद मैंने काफी जो है लड़कों से बात की है जो नए चेहरे हैं, उनमें से अभी पृथ्वीराज जी जो मेरी नजरों में चढ़े हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ लोग उनकी मदद करके, उनकी हेल्प करके। काफी लोग जो है वो अपने बजट की वजह से जो है वो अपना जो है कला है उनके बीच में जो वो छुपी रह जाती है, तो उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा आगे भी। और बाकी जितने भी सिंगर हैं हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपना जो चैनल है आपका यूट्यूब चैनल जो है उसको सेफ रखें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो खुद कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि मैं खुद ऑपरेटर बन जाता हूँ। हमारा काम है सिर्फ गाना, ऑपरेटर बैठे हुए हमारे राजेंद्र भाई जो है ये बहुत बेस्ट ऑपरेट करते हैं यूट्यूब चैनल को, और इनसे आप कांटेक्ट करें और ये खुद उनको बड़ी ईमानदारी से उसको आखिर तक निभाते हैं और अच्छा काम जानते हैं ये यूट्यूब। और गाइस आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होना, जितने भी हमारे रामबन के सिंगर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या कुछ भी आप यूट्यूबर्स हैं कुछ भी हैं, आप यूट्यूब पे काम करिए, दिल से काम करिए, आपके पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और मैं आपको बताऊं मेरा इस वक्त 1000 कुछ डॉलर जो है पेमेंट ड्यू है और 400 कुछ डॉलर मेरी 21 तारीख को आने वाली है। आपने सिर्फ काम करना है और इसकी टेंशन नहीं लेनी। यूट्यूब का पैसा डॉलर्स ये कहीं भी नहीं जाते हैं जब तक हमारे राजेंद्र भाई यहाँ पर हैं, ये कहीं जाने वाला नहीं, सिर्फ काम करते रहें और प्रॉब्लम राजेंद्र भाई को सुनाएं। तो गाइस आपको बता दो कि इनका क्या था मसला, इनकी पेमेंट जो आनी थी 21 तारीख को, जैसे हर यूट्यूबर को मेल आता है कि एडसेंस की तरफ से कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दी गई है और 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वैसे इनके पास ईमेल आ गया कि आपकी पेमेंट आ चुकी है। इन्होंने वेट किया बट नहीं आई। लास्ट पे इनका एडसेंस अकाउंट चेक किया जब, तो वहां पे इनको बैंक डिटेल क्लोज बताने लगा, तो उसी के चलते हुए हम अब उसको ठीक कर सकते हैं। साइड पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। गाइस अब जब मेहनत करोगे ना तो व्यूज खुद आते हैं, आपने डिमोटिवेट नहीं होना। अगर ये भी डिमोटिवेट हो जाते तो $1000 आज एक सिंगल गाने से नहीं कमा सकते थे। $1000 बहुत बड़ी एक रकम होती है, आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बोलेंगे कि भाई ये झूठ है, बट झूठ नहीं, आपको स्क्रीनशॉट साइड पे दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे 1 million 2 million सॉन्ग गया बट इतनी अर्निंग नहीं हुई, सिर्फ 200 or 300 ही हमारी अर्निंग हुई, बट यहाँ पे आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। तो जो आपके चैनल के व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि रामबन का बेस्ट चैनल है पहाड़ी फॉग म्यूजिक, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा और सामने स्क्रीन पे भी जो दिख रहा है पहाड़ी फॉग म्यूजिक, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैला दी रानी के बाद जो गाना आया है, ऐसे कई और गाने आने वाले हैं। थैंक यू।